कोई नहीं निकालेगा, अब आप यहीं रहोगे, बैठे रहो यहीं पे। काटा लगा फुईमा फुईमा। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होगे। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, सुंदर सुंदर बन चुकी हूँ। आज एक्चुअली मैं कहीं जा रही हूँ, मैं नहीं, हम जा रहे हैं, मैं और कुच्चू। आज कुच्चू को मैंने थोड़ा जल्दी बुला लिया था ऑफिस से, और कुदरती इनका काम कम था तो ये आ भी गए, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि अगर काम ज़्यादा हो तो ये अपने ऑफिस से निकल पाए। तो आज मेरी किस्मत अच्छी है कि टाइम पर आ गए मेरे कहने पर। अभी बज रहे हैं रात के 8:15। तो अभी कुछ और मैं जाने वाले हैं कहीं बाहर, कहाँ जाने वाले हैं वो जानने के लिए बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ। आज घर में खाना बनाने की भी छुट्टी है क्योंकि दोपहर की सब्जी और दाल पड़ी हुई है, बस फुलके बनाने हैं। अभी तो टाइम कुछ भी नहीं हुआ, लेट ही खाते हैं सब लोग। यहाँ पे बिग बॉस वगैरह देखेंगे नंद और सासू माँ, फिर वो लोग खाना खाएंगे तो गर्म गर्म रोटी बना के उसी समय खाएंगे। होप सो तब तक मैं वापस ही आ जाऊँ, अगर नहीं आई तो फिर खुद बना के खा लेंगे। तो आज की छुट्टी, अभी हम निकलने लगे हैं घर से बाहर। अभी हम निकल गए हैं घर से, अभी हम जा रहे हैं एक बार फिर से अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी हम पहुंच गए हैं, कोई है शुभ लाभ। हाय हाय, कैसे हो? बढ़िया, बताओ। पक्की बात है आज? हाँ आ जाओ। भगाओगे तो नहीं? नहीं 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 अब। तो गाइज अभी बारी है ये जानने की कि आखिरकार हम किनके घर में आए हैं, ये लोग कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और हम लोग इनसे कैसे मिले, और आज हम इनके घर में कैसे आए। आज हम फर्स्ट टाइम इनके घर पे आए हैं और फर्स्ट टाइम ही हम दोनों आपस में इस तरीके से मिले हैं ना। तो चलिए इनसे जानते हैं। नाम क्या है मैम आपका, सबसे पहले ये बताइए। कविता। कविता, पूरा नाम क्या है आपका? कविता गौर। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड कहाँ से? अल्मोड़ा से। और ससुराल मेरा नौगांव में है, मासी अपने जो पहाड़ी है उन्हें पता ही होगा, मासी नौगांव में है मेरा ससुराल। और जो मेरा मायका है वो मानिला में है, अल्मोड़ा में। हम पहाड़ी हैं लेकिन मुझे नहीं पता। हर पहाड़ी को नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, सुना नहीं है। बट जिस इसने मानिला मंदिर का नाम सुना होगा, एक बार जरूर कमेंट करना। हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए मानिला मंदिर के बारे में, कौन कौन जानता है जरूर बताना। क्या मान्यता है वहाँ मंदिर की? मान्यता है कि कुछ माता के, कुछ पहले माता के हाथ चोरी करके जा रहे थे। हाँ, कुछ चोर, तो वो मतलब एक हाथ को भी नहीं ले जा पाए, वो इतना हैवी हो गया माता की शक्ति से मतलब। हाँ। तो उसी वजह से बहुत मतलब बहुत मान्यता है उस मंदिर की। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वहाँ? अच्छा। और काफी लोग आपके सब्सक्राइबर्स भी वहाँ गए होंगे जो पहाड़ी है। अच्छा। जरूर बताना जो भी गए हैं। ठीक है, सारे कमेंट्स मैडम भी पढ़ेंगी, नहीं अच्छा लगेगा जानकर। मैं तो रिप्लाई करती हूँ, रिप्लाई भी करूंगी। हाँ, मैं भी रिप्लाई करती हूँ हमेशा, आपको पता ही है, तो हमें अच्छा लगेगा जानकर। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इनके बारे में पता लग गया कि कहाँ से हैं। तो आप भी उत्तराखंडी पंडित हो? हाँ, हम भी उत्तराखंड से हैं, कुमाऊनी हैं, पंडित हैं। अरे क्या बात है। तभी जब मुझे पता चला इनके बारे में, और ये पता चला कि गाजियाबाद से हैं। एक्चुअली पहले मैं सिर्फ गिरीश भैया का देखती थी ब्लॉग, फिर जब मुझे पता चला इनके बारे में और ये पता चला कि गाजियाबाद से हैं, तब तो मुझे ये था बस मिलना ही मिलना है। बट मैंने एक दिन देखा इनकी वीडियो में कि ये मेरे घर के गली के बाहर से ही निकल रही थी, तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल बिल्कुल नियर बाय ही रहते हैं। फिर मैंने इनको इंस्टा पे कॉन्टेक्ट किया, इनके इनको कमेंट किए इनके उस पर ब्लॉग वगैरह पे। पहले तो इन्होंने ऐसे ही टालती रही। फिर जब इन्होंने ध्यान से मैसेज पढ़ा कि मैं इतने पास से हूँ, कुमाऊनी हूँ, पंडित हूँ, फिर ये भी यहाँ अकेले हैं, तो हमें लगा कि एक बार मिलना चाहिए। और अब आज हम मिले और लग भी नहीं रहा कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आते ही खातिरदारी शुरू, और इनके बिजनेस तो खत्म ही नहीं होते हर जगह पे। हाय बाबू, हाय, से हाय, कैसे हो? ठीक है, मैं देता हूँ। हेलो, कैसे हो आप? बोलते क्यों नहीं, आप गूंगे हो क्या? हेलो हेलो हेलो, कहाँ चले गए हो आप? क्यों गए थे यहाँ पे? अब आपको कोई नहीं निकालेगा, अब आप यहीं रहोगे, बैठे रहो यहीं पे। गुड नाइट, गुड नाइट।
डैडा डैडा निकालो निकालो भाई निकालो निकालो बच्चे को निकालो मतलब मैडम ने बनाई है और इनको इसका नाम ही नहीं पता। नाम क्या है इसका? इसका नाम है दाल की पकौड़ी। अभी नामकरण करना पड़ेगा, पहले पंडित जी को बुला रखा है, अभी पंडित जी जैसे आएंगे इसको नामकरण किया जाएगा। दाल पाओ, दाल की पकौड़ी, कुछ भी कहो, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, कुछ भी हो तो हम पे हम बच्चे अगर अगर ये खाने के बाद मैं मतलब दोबारा व्लॉग ना बना पाई तो तुम समझ लेना। पर ये कविता की चाल थी मुझे मारने की। आपकी भी सेल्फी लूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निष्का है। आप कितने साल के हो? 3 साल का हूँ। 3 साल के हो, अच्छा। आपके मम्मा का नाम क्या है? कविता। पापा का नाम क्या है? हरीश। मैं कौन हूँ? आतिमासी। लो खा लो। नहीं नहीं बस अपना ही घर समझो। नहीं 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 अपना ही घर समझो, खा लो। मैं वहां रख के आई हूँ, हमने लेट खा रही हूँ, खाते खाते आ रही हूँ। दाल दे दाल दे, बनाते बनाते खा रही हैं, देखो इनको अभी कैसा हो रहा है। मैंने आज तक खाया नहीं है, बस दो ही खा के आई हूँ। खा के देखो, आज तो खाया नहीं, दो तीन खा रही हूँ, खा के आई हूँ अभी, बस 4-5 और रखे प्लेट में, ज्यादा नहीं है। फिर कह रही है मैं मोटी क्यों हो रही हूँ, बताओ, हद है गया यार। यहाँ पे घर की तहकीकात हो जा रही है। भाईचारा भाईचारा, ये देखिए यहाँ पर हमारा बाबू क्या देख रहा है। ओ माशा इन द बेयर, क्या देख लियो आप? अरे मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, मुझे वीडियो बनाओगे आप? क्या कर रहे हो बाबू, आप क्या देख रहे हो टीवी में? कहाँ गई? मैं देख रहा हूँ मासा, आपके पहले हम बातें बनाए हैं। ये व्लॉग देखती है, व्लॉग देख के देख रहे हो कितनी तेज हो रखी है। ओहो बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो गाइस, कैसे हो? शेयर शेयर सब्सक्राइब कर दो। हेलो, अच्छा बोलो हेलो गाइस। मिस्सी नहीं, मिस्सी ओए ओए ओए, देखो पर्स लेके कितना खुश हो रही है। मिस्सी गोल गोल में घूमना वाला चक्कर आ जानी, गोल गोल मेरा गलमा गलम पिज्जा तैयार है। बाहुबली बोलो, आपको नहीं दिया, आपको नहीं क्या बाहुबली? ईद गुस्सा, महेंद्र बाहुबली, बाहुबली कह दो, बाहुबली। अब देखो कौन ने उठाया, मुझे भी रथ में बिठाओ। वो नहीं 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 नहीं, बोल आय हाय आय हाय आय हाय, का बात है भाई साहब, का बात है। अरे वाह, क्या ये, क्या कहते बाबू इसे, क्या खा रहे हो आप? कुकुम्बर। कुकुम्बर कुंभकरण, कुंभकरण कुंभकरण बाबू, कुंभकरण खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कुंभकरण कुंभकरण। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, अभी हम यही हैं, रात के बज चुके हैं 12। अनबेयर की फैन है ये लड़की हमारी, है ना, है ना। 24 घंटे वही देखती है, ये देखती है भूतिया कहानियां। डर नहीं लगता आपको भूत से? नहीं लगता। भूत होते हैं ना आपके घर में? भूत है ना बाबू? नहीं। भूत है ना आपके घर में? कुछ कोई डर नहीं है आपको भूत से? डर नहीं है? पर भूत होते हैं आपके रूम में, भूत वहां पे बैठा हुआ है, पता है आपको? नहीं नहीं होते ना भूत? नहीं होते घर में भूत? नहीं होते घर में भूत? घर में क्या होते हैं बताओ, घर में क्या होते हैं? घर में क्या होते हैं? पेरेंट्स, भगवान जी भी होते हैं। पेरेंट्स होते तो पेरेंट्स बोल दिया तो भगवान जी, बताओ यार कितनी बड़ी महानता वाली बात बोल दी लड़की ने। हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हो आप? अंकल हाय, आज हम पेश कर रहे हैं
अरे जादूगर। आज हम पेश कर रहे हैं जादूगर, सुन रही हो? मुझे सुना बाबू, गाना सुनाओ उधर, उधर देख के गाना सुनाओ। राजा तेरे मेरे बगीचे पीछे, राजा तेरे मेरे बगीचे पीछे पीछे। क्यों? आगे आगे कुछ को नींद आ रही है। रात के 12:30 बज चुके हैं, अभी तक हम यही लटक रहे से, एक ही पीछे नाच रही है देखो। ओ फुईमा फुईमा काटा लगा, फुईमा फुईमा तो अभी 12:30 बज चुके हैं रात के, कुछ को तो नींद आ रही है, ये तो लेट चुके हैं सोफे पे, कह रहे चल रहे हो घर चलो, नहीं तो मैं यहीं लेट जाऊंगा, यही धरना देंगे। गला भी खराब होने लग गया, ज्यादा ठंडा खा लिया खाना, इनको शायद ज्यादा ही पसंद आ गया थोड़ा। तारीफ करूं खाने की? नहीं नहीं बस, बहुत बहुत धन्यवाद। वो राज की बात है, वो हम नहीं बताएंगे। तो ठीक है, अच्छा आप ये बताओ, हम आपके घर पे आए ऐसे फर्स्ट टाइम, आपको कैसा लगा? मतलब मुझे लगा ही नहीं पहली बात तो कि आप फर्स्ट टाइम आए हो हमारे घर पे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से मैं जानती हूँ, ज्यादा हो गया, पर ऐसा लग रहा था कितने सालों से मैं आपको जानती हूँ। बिल्कुल मुझे सच में नहीं लगा कि आप भैया फर्स्ट टाइम आए हो, आप देख रहे हो ना बच्चों को लगा, लग ही नहीं रहा किसी को भी। हाँ बच्चे तो ऐसे यार, बस भाभा के कौन है, आरती मौसी, आरती मौसी, उसको भी छोटी को लड़की को थोड़ी चोट लगी, आगे मुझे दिखा रही है, पापा है मम्मी उनके पास नहीं गई, मेरे पास आ रही है, देखो मौसी मुझे चोट लग गई। अगर एक दो बार और आ जाएंगी तो इनके पीछे पीछे ही चल देगी। मैं वही कह रही हूँ, एक दो घंटे में इतना प्यार हो गया कि क्या ही बताए, मतलब तोबा तोबा हो ही पड़ गई यहाँ पे। तो अभी बहुत मजा आया यहाँ कर, हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगा, कुच्चू को भी शायद अच्छा लगा अभी, पर फिलहाल तो पूरी नींद में डोल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लगे हुए वीडियो बनाने में, उनको मतलब नहीं है कोई दिन दुनिया से, अंदर भैया है वो छोटे वाले बालों को संभाल रहे हैं और हमारी अलग ही मस्ती चल रही है। ये देखो, ओह मैं आपकी क्या, बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है। प्रिंसेस, ये प्रिंसेस, ओह माय गॉड, ये प्रिंसेस आपकी, भाग गई बता। तो अभी हम जाने लगे हैं घर वापस, वो चूहिया भी फुदक रही है पीछे, और ये एक निष्का की तरफ से, ओह कमाई हो गई, कुछ मीठा हो जाए। पीछे हमारे भाई साहब, भाई साहब से तो मैंने आपको मिलाया ही नहीं, मतलब जाते समय मिलवा रही हूँ मैं आपको, ये मतलब कि ये मैडम जी रसोई में घुसी हुई थी और ये लगे हुए हैं बच्चों को संभालने में, और इनकी शक्ल बताना कैसी है, मिलती है थोड़े थोड़े बड़े भैया से या नहीं मिलती है? मुझे लगता है कि शायद इनकी थोड़ी थोड़ी शक्ल बड़े भैया से मिलती है और मेरे मामा जी से, छोटे मामा से मिलती है। मम्मी आप जरूर बताना हाँ, और मेरी किससे मिलती है जरूर, आपकी शक्ल, आप हो कौन वैसे, तू कौन है? जरूर बताना, जरूर बताना। आप हो कौन? वो गाइस बताएंगे, हेलो गाइस, वो बताएंगे। जाते जाते ना ये बच्ची भी मतलब हेलो गाइस चला रही है, इसको भी मैंने हेलो गाइस बोलना सिखा दिया। मैं कह रही हूँ गली मोहल्ले के सभी बच्चे जितने भी है ना, सबको हेलो गाइस बोलना सिखा देना मैंने अब। बाय गाइस, चलो आओ हमें छोड़ने के लिए हम जा रहे हैं। चलो आप, देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाय सामने से, वो देखो स्टैंड भी, वो देखो बच्चे बाय कर रहे हैं, बाय कह दो, बाय कह दो, बाय बेबी। ये रात को 1 बजे बच्चे क्यों जा रहे हैं? मम्मी पापा कहाँ हैं? उठे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा जाग रहा है हमारा, ये चूहिया देखो कहाँ लटक गई हमारी, मुझे गाइस मेरा हाथ छोड़ो, ओके बाय। किसी कर दो, मैं कर दूँ, बाय गाइस। ये है वो गंदा तालाब, वो रहा सामने मंदिर, रात के 1 बजे गाजियाबाद की सड़कें एकदम सुनसान। अभी हम घर वापस आ चुके हैं, मैं अपनी मेडिसिन साथ में लेके जाना भूल गई थी, तो अभी रात का तकरीबन 1 बज चुका है, तो अभी मैं लेने लगी अपनी मेडिसिन।
जिस फैमिली से अभी हम मिलकर आए हैं बहुत ही प्यारी फैमिली थी। मतलब घर जाते इतना प्यारा वेलकम किया उन्होंने, इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, इतना अपनापन था हर एक चीज़ में। कुछ वैसे भी उत्तराखंडी हैं तो ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि हम अनजान हैं, पहली बार मिल रहे हैं। अपने भाई बहनों जैसा ही माहौल लगा वहाँ पर जाके, और बच्चे तो इतने प्यारे हैं कि क्या ही बता दूँ। एक मिनट के लिए भी ऐसे कहते हैं ना कि हम इंसान बोर हो गया, वो वाला सीन ही नहीं था। इतना मन लगाना वहाँ जाकर, दिल ही नहीं कर रहा था मेरा तो वापस आने का। इतना प्यारा माहौल था उनके घर का, शांतमयी माहौल, छोटा सा परिवार, बहुत प्यारा लगा। और इसके साथ ही जैसे कि हम इंस्टा के थ्रू मिले तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि एक टाइप से वो हमारे फ़ैन ही हैं। तो उनसे जैसे मैं आज मिलने के लिए गई, कहते हैं ना लोग कि क्या कमाया है तुमने अपनी ज़िंदगी में, तो इतना प्यार जो मुझे आप लोगों से मिलता है, ये जो प्यार मैंने आप सबसे कमाया है, यही मेरी दौलत है। और मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड होने लग जाता है कई बार इस चीज़ को लेकर कि इतना प्यार करते हैं सभी मुझे, है ना। तो बहुत प्यारा लगा मुझे उनके घर पर जाके। एक बार तो एक बार के लिए तो ऐसा हो गया कि मेरी आँखें भर गई थी कि यार इतना प्यार। मैं तो घर वापस आकर वीडियो बनाने में ही रह गई, और कुछ अपना बढ़िया फ्रेश होकर कपड़े वगैरह चेंज करके भी आ गए हैं। आओ कुछ से पूछते हैं उनको फैमिली कैसी लगी। कुछ आपको गौर फैमिली कैसी लगी जहाँ भी हम जाकर आए हैं? बढ़िया लोग थे, बढ़िया लोग थे, अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे, ठीक है। मेरा तो यही मानना है कि आजकल जो खून के रिश्ते हैं वो पानी हो चुके हैं। खून के रिश्ते इतने नहीं चलते जितने दिल के रिश्ते चल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा रिश्ता नया बना है गौर फैमिली से, वो काफ़ी आगे तक चलेगा, और आपको आगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स हमारे साथ में देखने के लिए मिलेंगे। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ये आइए।